tényleg rácsak a számi úszti a pedus, hogy a pés, a csak gabbó gett, amely csak sobizé havala, ha kezd egy fillet, ha az misconception, ha bente már domána. Bár el, kájma kamó, egy fillet kezd egy tough, áj, pésdás téke meg gabkoté, én csak muskél bitté, én csak problems bitté. Nikam mó maza or tafri a bhív, tesszé ma bhi áré téma. Acha, is field me jo travel lovers hain, mere nazdik, unko bhot maza áta. Kyunki outdoor shoots, traveling karna, different jana, wo places pe jaake shoot karna, bahut hi maza aata hai. As a makeup artist, aap kis cheez ko prefer karte hain zyada? Ki aapko indoor zyada better lagta hai result makeup ka, ya outdoor mein aapko easy feel hota hai? Indoor hota hai to ek sukoon hota hai. Usme har electricity hame provide hoti hai. कि कुछ भी कर सकते हैं उसमें स्टाइलिंग स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी से ही मैं बनाता हूँ तकरीबन तो मेरी कोशिश यही होती है कि इंडोर हो और अगर आउटडोर होता है तो तब भी मैं ये करता हूँ कि मैं कहीं इंडोर प्लेस पे पूरा डन करके और फिर आउटडोर ले जाता हूँ लेकिन कहीं हम दूर चले गए जैसे बहुत ज़्यादा दूर आउट ऑफ सिटी बिल्कुल निकल गए तो वहाँ तो फिर इंडोर की बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वहाँ ये कि आउटडोर पे मैनेज करना पड़ता है लेकिन मेरी कोशिश ही होती है और मुझे पसंद भी पर्सनली इंडोर ही है कि इंडोर में काम अच्छा हो जाता है आप इंडोर सब कुछ करके रेडी करके फिर बाहर जाके शूट करो एज अ मॉडल आप क्या प्रेफर करेंगे नौमान कि आपको इंडोर में ज़्यादा आप सब समझने के सेफ होगा और सुकून होगा या फिर आउटडोर में थोड़ी तफरी इंजॉयमेंट सफ़र मुझे तो आउटडोर पसंद है आउटडोर में थोड़ा सा तफरी होती है बाकी क्योंकि एक दो मॉडल्स तो आते नहीं है जाहिर है आपका इंटरेक्शन डिफरेंट मॉडल्स चार से पांच मॉडल्स होते हैं फिर गपशप भी होती है तफरी होती है और मज़ा आता है काफ़ी ट्रैवलिंग के वक्त भी और शूट टाइम भी और काफ़ी इंजॉय होता है वहाँ पर इंडोर में इतना ख़ास मेरे हिसाब से हमें यानी कि अच्छा लगता है मॉडल्स को जो क्योंकि अकेले होते हैं कभी एक दो मॉडल्स होते हैं जब ब्रांड शूट होता है तब हम होते हैं मॉडल्स यानी कि दो या तीन तो उसमें इतना ख़ास मज़ा नहीं आता हमें यानी कि इन्जॉयमेंट नहीं होती और अंदर होता बस घुटन सी होती है किस्म की हाँ वो एक लिमिटेड प्लेस है ना जहाँ आपने घूम फिर के वही बैठ जाना है और इस वजह से वहाँ पे बेटर फीलिंग होता जब आउटडोर होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होती हैं प्लेसेज होती हैं तो वहाँ पर अच्छा लगता है हमें जाना अच्छा फिर ये अगर मेकअप के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं कि विंटर मेकअप लवर्स के लिए बेहतरीन सीज़न होता है जो मेकअप करना पसंद करते हैं इवन दो मेकअप आर्टिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि विंटर में मेकअप का लुक ही अलग आता है Definitely. क्योंकि वो स्टेबल उसकी स्टेबिलिटी है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है जाहिर है गर्मियों में इतना पसीना आता है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी तो टिप्स वो आजमाने पड़ते हैं और नाउ डेज चूँकि आपके पास ईजी है कि आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो आप यूज़ कर सकते हो फिर भी एक मतलब एक लिमिटेड टाइम के बाद एक मुकर्रर वक्त पे आकर आपका बेस फटना शुरू हो जाता है लेकिन सर्दियों की अगर बात की जाए तो मैं पर्सनली खुद अपनी अगर बात करूँ तो मैं सुबह से लेकर रात 10 बजे तक भी मेकअप में रहूँ तो मुझे फील नहीं होता सीधी बात है कि लोग मुझे खुद बोलते हैं कि नहीं फील होता तो आपको कैसा लगता है कि सर्दियों में मज़ा आता है मेकअप करने में मतलब एक होता है मेकअप आर्टिस्ट को सुकून तब मिलता है जब उसके मेकअप की तारीफ कोई भी आर्टिस्ट हो बिल्कुल उसे अपने आर्ट की तारीफ सुनना पसंद है डेफिनेटली किसी और से भी या जिसको जिस मॉडल को किया है मेकअप उससे भी बिल्कुल तो आप कैसे किस चीज़ को प्रेफर करते हैं गर्मियों के सीज़न को सर्दियों को या एक पाकिस्तान में तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि मौसम अगर हमारे पास बात की जाए तो वेदर का कुछ पता नहीं चलता स्पेशली नाउडेज कराची में कि फॉर वेरी सडन बहुत तेज सर्दी और अचानक से बहुत गर्मी तो इन तमाम मौसम की तब्दीली को ना मेकअप का बहुत एक वो इम्पैक्ट आ जाता है उसके ऊपर स्पेशली आउटडोर में जब सूरज की शुआ बहुत तेज हो और वो पड़ रही हो मॉडल के चेहरे पे तो बार बार टचअप करना भी बेकार जाता है उल्टा जो बना बनाया बेस होता है वो बिगड़ जाता है तो आपको कौन सा सीजन सूटेबल लगता है सूटेबल तो ज्यादातर विंटर उसके अलावा डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स पे मैं तो सनलाइट में भी ऐसा मेकअप कर लेता हूँ कि 24 घंटे तक वो मेकअप हिलता नहीं है कि मेरे शूट्स अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं सुबह 6 बजे मैंने मेकअप किया है
तो वो मेल फीमेल्स अगली रात 4 बजे तक भी अगर शूट करवाते रहेंगे तो उन्हें टचअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो खाएं पिए कुछ भी करें, एक्स वाई जेड मुंह ना धोएं। अच्छा खाएं पिए से याद आया, कुछ मेकअप आर्टिस्ट अपना इंतहाई फजूल एक्सक्यूज में से कहूंगी वो देते हैं कि जी आप बात ना करें, ज्यादा बोलेंगे तो आपका मेकअप जो है ना वो खिंच जाएगा, खराब हो जाएगा। एक्चुअली ये वो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं जिनको प्रोडक्ट्स की ज्यादा पहचान नहीं होती, मतलब आपको अपने काम पे ही भरोसा नहीं है कि आपने एक चीज कर ली है और आप उसके ऊपर, मतलब बंदी है या बंदा एक्स वाई जेड जो भी मॉडल है उसके ऊपर इतनी पाबंदियां बिला वजह की कि बात नहीं करो तो लिपस्टिक खराब हो जाएगी, तो बेस खराब हो जाएगी, तो बेस फट जाएगी, इसका मतलब तो ये कि कमजोरियां तो आपके अंदर है ना। आप उस चीज को वो करो ना कि अगर वो बात भी कर रही है और वो खा पी भी रही है तो हमारी बेस कहाँ से फटती है, हम कौन सी ऐसी चीज मिस करते हैं जहाँ से वो बेस फटती है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि हमें कंसीलिंग सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्लिनजिंग बिफोर मेकअप, उसके बाद आप प्राइमिंग करें पूरे फेस पे, उसके बाद कंसीलिंग करें जहाँ जहाँ आपको नीड है, और उसके बाद फिर आप बेस अप्लाई करें तो आपकी बेस कभी भी नहीं फटेगी। अभी हर मेकअप आर्टिस्ट नहीं वो करता, ज्यादातर लोग बस स्टार्ट कर दिया मेकअप ना, टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। मैं यहाँ आपसे टाइमिंग को भी डिस्कस करवाना चाहूंगी क्योंकि लोग पे दर पे जाना वो एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं जिसकी वजह से ना बेस को ठहरने का टाइम मिल रहा है, ना प्राइमर को टाइम दे रहे हैं, और ना बस फौरी तौर पे वो अप्लाई करते चले जाते हैं जिससे सब कुछ मिक्स होके एक अजीब सी जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर जाती है, ग्रे टोन हो जाती है। उसके लिए भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और आपको मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना है तो ड्रायर तो नॉर्मली सबके पास होता है, तो ड्रायर की जो कूल एयर होती है अगर आप प्राइमर लगाकर 2 मिनट छोड़ने से बेहतर है कि 30 सेकंड तक ड्रायर की उसको एयर दे दें तो वो बैठ जाएगा ठंडी हवा से, आपको उसको स्टे करवाने की ज़रूरत नहीं है कि यार 2 मिनट बैठ जाओ 4 मिनट बैठ जाओ, आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह भी मैनेज कर सकते हो। तो इंसान के ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो मैनेज किस तरह कर रहे हैं, टाइम लेकर चल रहे हैं। हाँ अगर टाइम कम है तो हम इन चीज़ों से जुगाड़ बहुत सारे होते हैं, इन जुगाड़ों से पूरा कर लेते हैं अगर टाइम होता है तो फिर, और वैसे भी शॉर्ट टाइम में भी आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं जो कि 24 घंटे आराम से चलता है। अच्छा आपको कितना टाइम लगता है फॉर सपोज एज अ सिंपल, अगर हम मेकअप की बात करते हैं इनिशियल हम स्टार्ट लेते हैं एक नॉर्मल एक इवेंट में जाने के लिए, इट्स नॉट अ पार्टी इट्स काइंड अ मीटअप, मीटअप के लिए आप अगर किसी को रेडी कर रहे हैं आपको कितना टाइम चाहिए होगा? 10 मिनट्स इनफ इनफ। फिर उसके बाद अगर आते हैं पार्टी की तरफ 15 मॉडलिंग के लिए। तो एक मॉडल को तैयार करने के लिए डिपेंड करता है ड्रेस कि वो ट्रेडिशनल है वो कैजुअल ड्रेसिंग है वो क्या करना चाह रहे हैं, वेस्टर्न है या फिर हमारा कल्चरल ड्रेस है या पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, किस टाइप की ड्रेसेस हैं वो तो डिपेंड करता ही है। लेकिन आप एक ओवरऑल कंक्लूजन बता दें कि मतलब कैलकुलेशन बताएं कि आपको कितना टाइम लगता है। अगर ट्रेडिशनल है या ज़्यादा हैवी है काफ़ी ऐसी चीज़ें उसमें मुझे सब कुछ हैवी करना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 35 to 40 मिनट्स लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे फैशन शोज़ होते हैं वहाँ पे हर चीज़ हैवी करनी होती है फीमेल्स की, बड़े बड़े स्टाइल्स और ज़्यादा बड़ा मेकअप सब कुछ शार्प करना पड़ता है, तो उसमें ये कि मुझे टारगेट होता है मेरा कि यार मेरे पास एक स्लॉट चलेगा इसमें 12 मॉडल्स हैं, अब मैंने इन 12 को एक अकेले हाथ पे रेडी करना है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर सकता, सिर्फ असिस्टेंट मेरा है वो मुझे मेरी हेल्प करेगा लेकिन वो मेकअप सब कुछ मैंने करना है प्लस स्टाइलिंग, तो वो 10-12 मेकअप मैं कवर कर लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटों में, 3 घंटों में तकरीबन 12 मॉडल्स तकरीबन। वाओ यार क्या बात है भाई, अकेले 12 मॉडल्स 3 घंटे में, शिट पार्लर में जाकर हमारी लड़कियाँ क्या कर रही होती हैं, शेरी के पास जाके आप ब्राइडल मेकअप करवा रही हैं। वैसे ब्राइडल को कभी तैयार किया है? बहुत स्टार्ट ही मैंने ब्राइडल से लिया था। वाओ कितना टाइम लगता है एक ब्राइडल को ओवरऑल परफेक्ट लुक देने के लिए? पहले जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 9 साल पहले तब तो मैं 2-2.5 घंटे लेता था एक ब्राइड पे,
क्योंकि हर चीज परफेक्ट देखता था कि यार लैशेस देखनी है, उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन होता है, और मेरी कोशिश होती थी कि ब्राइडल सबसे अच्छी लगे, सबसे अच्छी लगे। और मैंने आपसे पहले भी यही कहा कि मैं अपने काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, दैट्स गुड, कि अगर मेरे काम की कोई बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं वो बुराई छोड़ता ही हूँ जो कोई बुराई करे। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तारीफ ही करते हैं। और इसके अलावा अब जो है जिस तरीके से मेरा सीज़न ही है ये ब्राइडल सीजन, तो इनमें यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स या एक घंटा पूरी ब्राइडल दुपट्टा सेटिंग, ज्वेलरी सेटिंग, मेकअप स्टाइलिंग, एक्स वाई जेड सब कुछ, एक घंटा इनफ होता है मेरे लिए। वाओ, मतलब हाथ तेजी से चलने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इसमें प्रैक्टिस भी बहुत होती है, डेफिनेटली हर चीज के हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। आपके हाथ तभी तेजी से काम करना शुरू होंगे जब आप एक वक्त में दो तीन चार करते करते आप सबको मेकअप करना स्टार्ट होंगे तो आपके हाथ वैसे ही तेजी से चलना शुरू होंगे। आप आते हैं मेन स्क्रीन पे, स्क्रीन मेकअप इज समथिंग एल्स कि आपको फोकस करना पड़ता है, फिर डिपेंड कि आप किसी एंकर पर्सन को जो एक मतलब पॉलिटिकल वो शो चला रही है पॉलिटिक्स के हवाले से, या आपके जो है ना वो मॉर्निंग शो है, या आप एक न्यूज़ कास्टर को जो है ना वो मेकअप करें, स्टाइलिंग मेकअप इन तमाम का डिफरेंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपके अगर मॉर्निंग शो की बात होती है तो वो एक लाइट शो होता है जिसमें आपको डिपेंड करता है कि आपको होस्ट के इंटायर लुक के हवाले से बात करनी होती है, ठीक है। न्यूज़ फोकस होता है आपके हाफ बॉडी पे, बिल्कुल, तो आपको वो स्टाइलिंग और आपको जाना वो फेस मतलब एक डिसेंट लुक देना होता है न्यूज़ कास्टर को। तो आप क्या करते हैं कि कितना आपको लगता है कि टाइम लगना चाहिए उनके मेकअप के लिए स्क्रीन के लिए, क्योंकि स्क्रीन मेकअप थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइटिंग ये वो, तो वो इश्यूज जाना फिर और ही उभर कर आते हैं। और जितना भी आप कर लो स्क्रीन मेकअप थोड़ा डिफरेंट ही। अच्छा, स्क्रीन मेकअप के हवाले से मैंने अक्सर देखा लोग जब फ्रंट से लाइव देखते हैं तो वो OMG इतना मेकअप इतना क्यों किया है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो उनका लुक ही चेंज हो रहा होता है। तो आपको कितना टाइम लगता है स्क्रीन पे? अगर जैसे कि हॉस्ट है लाइक यू, हॉस्ट चलती फिरती भी हैं, मॉर्निंग शोज होते हैं, सब कुछ करती हैं, तो उनके लिए ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज़्यादा बेहतर करूँ, उनकी हर चीज़ परमानेंट करूँ, क्योंकि उनको बोलना बहुत है, उनको हर चीज़ मूविंग बहुत करनी है, कैमरा फोकस्ड है। हाँ, और बात आती है न्यूज़ कास्टर्स की तो वो तो हाफ बॉडी पोर्ट्रेट शो होता है उनका, उस पर मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं बाल अच्छे बनाऊँ, क्योंकि मेकअप इतना मायने नहीं रखता। आप एक जगह बैठे हुए हो, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं तो मेकअप आपको लाइट हुआ हुआ है, आप अच्छे ही लगोगे। तो आपने तकरीबन देखा होगा कि जितनी भी न्यूज़ कास्टर्स हैं उनके बाल बहुत प्यारे प्यारे बने हुए होते हैं, बहुत कम ऐसी होती हैं जिनके या तो दुपट्टा होता है या फिर जिन्होंने कोई बाल बांधे हुए होते हैं, तकरीबन तो बाल खुला ही रहता है न्यूज़ कास्टर्स का। तो न्यूज़ कास्टर्स के लिए ज़्यादातर ब्लो ड्राई और आउट कर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट विद मेकअप। और होस्ट जो है आपके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप मेरे तकरीबन आधा घंटा ले लेंगी। आधा घंटा? बिल्कुल, वो फिर भी ठीक है, मैं तो 40 to 45 minutes। एनीवेज वो होता है कि डिपेंड करता है, जाहिर है एक मेकअप आर्टिस्ट का हाथ मेरी नस्बत तो तेज़ी चलेगा। बहरहाल बहुत जाना वो डिपेंड करता है कि मेकअप आर्टिस्ट पे एक लुक स्पेशली ऑन स्क्रीन की मैंने इसलिए बात की, ऑन स्क्रीन अक्सर लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली कंट्रोलिंग वो काफ़ी डार्क करनी पड़ती है कि वो हाईलाइट हो सके, हाईलाइटर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, प्लस ब्लश का एक बहुत वो होता है कि आप कौन सा जाना वो यूज़ कर रहे हैं और वॉट। बहरहाल मेकअप के हवाले से लड़कियाँ, मैं खुद भी उसमें काउंट होती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि कैसा मेकअप है, कैसी लिपस्टिक लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ब्ला ब्ला। यकीनन हम तो खैर शेरी तो मेकअप आर्टिस्ट है, और मैं चूँकि एज अ गर्ल बहुत इंटरेस्ट ले रही हूँ मेकअप के हवाले से, ज़रूर नौमान बोर हो रहा है क्योंकि वो मेकअप के हवाले से कंटिन्यूसली सुन रहा है। पक्की बात है, ऐसा नहीं है। खैर आपके इस फील्ड की तरफ आते हैं, शोबिस के इस फील्ड में मैंने देखा है जहाँ तक अगर मॉडल्स न्यू फेसिस की अगर बात की जाती है, वो आते हैं उनको मौका किसी हद तक मिलता भी है तो कहीं ना कहीं ठग भी लिए जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके मुतालिक पढ़ाया नहीं जाता, जिसके मुतालिक बताया नहीं जाता, जिसमें आप आकर सीखते हैं,
मतलब आप आकर एक्सपीरियंस करके फिर आपको कुछ पता चलता है कि जी अच्छा इस फील्ड में ये भी है, इस फील्ड में है, मतलब ऐसे चलना पड़ता है। तो आपने आगे बिल्कुल वो कहते हैं ना मोहतात होके चलना है आगे, तो आपने सोचा क्या है कि एक ख्वाहिश होती है कि एक मॉडलिंग की फील्ड में कदम रखे कि मैंने फला ब्रांड के साथ काम करना है या फला जाना वो शख्स के साथ, फला मॉडल के साथ आई विश के मेरी जाना वो मेरा शूट हो और मेरा काम उनके साथ हो, तो आपके इंस्पिरेशन में कौन आता है? मेरी तो किसी के साथ भी, यानी कि अगर मेरी ख्वाहिश है तो मैं किसी के साथ मेरी ख्वाहिश नहीं शूट करने की। अगर मैं कहूँ कि फ़लाँ फीमेल मॉडल है या वो मेल मॉडल है जिससे यानी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसके साथ शूट करना चाहूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक बात है इंस्पिरेशन की, मॉडलिंग में जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था इस फील्ड में है क्या है, कुछ भी कुछ भी नहीं था, आइडिया नहीं था। मैंने पहले जब पोर्टफोलियो की बात की तब मेरी ना बॉडी थी ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक आम सा लड़का था मैं बिल्कुल। तो मैंने तन मन यानी कि स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की, और उसके बाद जाके इस फील्ड में जब मैंने पहला पोर्टफोलियो बनवाया तो फिर मुझे समझ आया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब किसी भी फील्ड में आप जब जाते हैं तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि उसमें क्या है क्या नहीं, जब आप उसमें इंटर होते हैं तो फिर समझ आती है कि हाँ इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। और से समझने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर इंसान बोलता है जैसे कि आजकल के जो मॉडल हैं जो न्यू हैं, अब एक दो शूट करवाया वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े मॉडल बन गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। अब जैसे भी अगर हम शूट अपलोड करते हैं तो जो भी हमारा शूट देखा तो कहते हैं यार ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही खड़ा हो गया और बस शूट हो गया, बस ब्रांड पहना, भाई फोटोग्राफर का कमाल है और मेकअप आर्टिस्ट का। ये नहीं पता जो बेचारा कर रहा होता है उससे पता होता है उस उसका क्या हश्र हो रहा होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये इतना इजी नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे हैं आजकल। आई कैन अंडरस्टैंड, सब समझते हैं कि हम मॉडल बन जाएंगे, उतना इजी नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है और काफी डांट भी खानी पड़ती है स्टार्टिंग में। एक और बात, कुछ फेसेस ऐसे होते हैं इस फील्ड में लाइक आपको लाइव मिलके लगता है कि यार नहीं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का फेस जो है ना वो कैमरा फेस होता है, तब वो उनका फेस फोटोजेनिक होता है और फोटोग्राफ्स उनके बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे आते हैं। तो वो मॉडलिंग के फील्ड में अगर उनका कॉन्फिडेंस हो, तब वो अगर कॉन्फिडेंट हों खुद, तो वो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे अंदाज में आगे निकल सकते हैं। एक तो मसला ये होता है कि हमें जो हमारा लुक आ रहा होता है, हम मिरर के सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं, सो वी थिंक वी आर बेस्ट, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बात ये होती है कि अच्छे आप तब लग सकते हो जब आपका फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफर जो है ना वो आपको एंगलिंग वैसी दे। बिल्कुल। मसला ये भी होता है कि कभी कभी फोटोग्राफर जो फोटोग्राफ बना रहे होते हैं उसका एंगल ऐसा होता है कि आप अच्छे लगते हुए भी बहुत ही बुरे लगते होते हैं। तो इसमें भी मॉडल्स काफ़ी पीछे जो है ना वो हट चुके हैं, और जिनसे मेरी बात हुई है वो मायूस हैं कि वो आगे नहीं आना चाहते क्योंकि उनको परफेक्ट जो है ना वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या उनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे जो उनको सपोर्ट करें, जो उनको आगे ले चलें। तो ये भी एक वजह है कि इस फील्ड में आकर लोग भटक से जाते हैं, लेकिन मतलब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बिल्कुल हर फील्ड में होते हैं। इसमें संभल कर चलना होता है बहुत ही ज़्यादा, और एक नहीं जब आप पहला एक ही पोर्टफोलियो बनवा लो आप, ठीक है सिंपली ले रहे हो एक बात, आपको हज़ार लोग एसएमएस करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, शूट पे बुलाएंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं जो जस्ट प्रोफाइल शूट करते हैं अपने लिए, और कुछ होते हैं जिनके पास ब्रांड होते हैं, ठीक। और जो प्रोफाइल शूट करते हैं लड़के आजकल के, तो वो बिल्कुल फजूल है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोफाइल शूट कर लिया, अपलोड कर दिया, लाइक कमेंट्स आ गए, बस खुश हैं इसी में, इस तरह वो आगे नहीं जाते। उन्हें चाहिए कि अच्छा फोटोग्राफर हो, उसके साथ काम करें, अच्छा डिज़ाइनर हो उसके साथ काम करें, अच्छे ब्रांड के साथ काम करें, तभी उन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा और अच्छा ब्रांड आगे और मिलेगा, मजीद काम आगे मिलता है उन्हें, सही। उसमें उन्हें फ़ायदा भी होता है। अब क्वालिटी ऑफ वर्क भी देखना ज़रूरी है, वरना लोग यहाँ इस फील्ड में आकर मैंने देखा है कि मतलब
कुछ भी करना है आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इस अज़म के साथ आ रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं होता कि करना क्या है। करना क्या यार, सबसे बड़ी कुर्बानी तो तुम लोग की डाइट की होती है, मुझे तो सबसे बड़ी टेंशन ही होती है। क्या क्या छोड़ा है, सच बताओ क्या क्या छोड़ा है, फेवरेट क्या क्या कुछ है ना अब तक कुर्बान कर चुके हो? तो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, पिज्जा वगैरह हो गया, सिंगर वगैरह, इस तरह की चीजें दे दी कुर्बानी तो दे दी। अब क्या कर सकते हैं, फिटनेस के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जाहिर बात है मॉडल का फिट होना लाजमी है। सो सैड, कैसे रोक सकते हैं आप? लाइक आई मीन फास्ट फूड यार, आपके सामने आपका फेवरेट खाना हो और आप रोक दें खुद को बार बार, मेरी बातों में ना आना, रोके रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। प्लस आपके देखें प्रॉब्लम यह है कि आपको शुरुआत में थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ज़ाहिर है आप आदी होते हैं किसी चीज़ के, फिर आराम आराम से आप खुद ही जाना वो छोड़ देंगे, और कभी कभार खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, है ना? कभी कभार तो कोई हर्ज नहीं है, कभी कभार तो हो ही जाता है, लेकिन मुझ जैसी बंदी का कभी कभार हर दो दिन बाद आता है, वो बात अलग है। लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। प्लस ये है फिटनेस के लिए, लड़कों के लिए स्पेशली कहते हैं कि जिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने स्टार्ट ले लिया है या फिर आपने क्या सोचा है? लाइक आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आप एरोबिक्स भी कर सकते हो, आप जाना जिम अगर जा रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्सरसाइज करना चाहो, आप योगा करना चाहो। अब योगा में ये होता है कि वो देर पा होता है, बिल्कुल आपको बेशक आपको उसका रिजल्ट थोड़ी टाइम बाद नज़र आ रहा होता है, लेकिन हाँ फिर उसका रिजल्ट रहता भी देर पा है। सबसे मैंने पहले भी कहा था तो लोगों ने कहा था कि वाह भाई ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जो हकीकत है वो बात है ये कि योगा आपको जवान रखता है, बिल्कुल, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं अगर आप आगे अपना इस फील्ड में कंटिन्यू रखेंगे तो? मेरा तो स्टार्टिंग से जिम का था, और मेरा जब मैं मॉडल बनने का मुझे शौक नहीं था बिल्कुल भी, तो स्टार्टिंग से मुझे बॉडी का बॉडी बनाने का शौक था, बॉडी बिल्डर बनना था। लेकिन कहते हैं जिम छोड़ दो फिर उसके बाद बॉडी का बड़ा बुरा हशर होता है। जी बिल्कुल होता है, वो अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स और प्रोटीन और एक्स्ट्रा गेनर वगैरह चीज़ें जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाती है, तो वो जब आप जिम छोड़ देते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिक जो आपकी बॉडी होती है उम्र के हिसाब से ढलती चली जाती है, लटक जाती है। अगर आप जैसे 30 से जब आप यंग होते हैं 25-26 साल के, तब तो इतना यानी कि नहीं होता, जैसे आप 30-35 होता है तो आपका पेट निकल आता है बाहर, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो पूरी बॉडी जो है, जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनसे सब गोश्त जो है ना वो छोड़ देती हैं, तो बॉडी लटक जाती है, वो इंसान इतना अजीब लगता है उसके यहाँ से भी यानी कि अलग अलग बहुत ज़्यादा उसका यानी कि हाल बुरा रहता है। तो यही है कि इंसान अपनी जो डाइट है वो बरकरार रखे और एक्सरसाइज करे विदाउट प्रोटीन वगैरह, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं बॉडी बनाने के लिए, अक्सर लोग जो होते हैं लड़के पागल होते हैं, बिल्कुल क्रेजी होते हैं। मेरा ख्याल है कि फिर इस पे तो सबसे ज़्यादा काम बॉडी बनाने के लिए डाइट का होता है, प्रॉपर डाइट ने। अब डाइट का मतलब लोग समझते खाना छोड़ देना, ऐसा नहीं है। एक ही होता है हेल्दी डाइट, एक आपके पास बैलेंस डाइट है, आप डिपेंड करता है कि आप डाइट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही खाना छोड़ दो, खाना बेशक आप खाएं लेकिन हेल्दी हेल्दी फूड खाएं, तो फिर जाकर आपकी बॉडी जो ना वो सेहतमंद रहेगी। और प्लस आपको इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी केयर करें, अपना ख्याल रखें। लेकिन फिर यह एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर हाजिर होंगे, अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।